हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड। आप लोग का स्वागत है यूपीएससी वर्ल्ड में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे सामने एक पीडीएफ खुली है, एलआईसी एचएफएल, जो कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया कॉरपोरेशन के थ्रू पोस्ट निकाली गई है, एलआईसी के थ्रू, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। तो उसमें क्या क्या पोस्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न, एवरीथिंग वी विल नो हेयर। ओके, सो कंटिन्यू द वी आर कंटिन्यूइंग द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, इसमें तीन पोस्ट हैं, असिस्टेंट्स, एसोसिएट एंड असिस्टेंट मैनेजर्स। ओके, सो असिस्टेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 150, एसोसिएट्स की हैं 50, और 100 पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर की। इट मीन्स देर आर टू मैनी पोस्ट, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ने ऑल अबाउट 250 वैकेंसीज हैं। तो आप इसको देखें, इसे ज़रूर भरें, बहुत अच्छा मौका है। तो देखिए, सबसे पहले बात आगे जानते हैं क्या है। कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी फॉर ओनली वन स्टेट। ठीक है, असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए आपको वन स्टेट में भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ स्टेट वाइज है वैकेंसी, तो उस मुताबिक आप भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में 20 है और एक्सक्लूडिंग एनसीआर है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख के देखें, ठीक है, कैसे भरना है फॉर्म। ठीक है, एक ही स्टेट के लिए भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, और जो असिस्टेंट मैनेजर है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टेड हो सकता है, और सैलरी बहुत अच्छी है। देखिए फ्रेंड्स, जो असिस्टेंट की सैलरी है वो 22,257 है इनिशियल्स में, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लंच अलाउंस हो गया, पीएफ में हो गया, मेडिक्लेम हो गया, ग्रेचुटी हो गया, एलटीसी हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, हाउस लोन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके साथ। अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 25,000 बनेगी। एसोसिएट में यू विल गेट 33,500 अप्रोक्स। ठीक है, उसके साथ एडिशनल बेनिफिट आपको अलग मिलेंगे। और मैनेजर में आपको 52,000 अप्रोक्स मिलेगी सैलरी, और इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट भी अलग मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं। सैलरी जैसे जान ले, प्रोबेशन पीरियड जो एसोसिएट और असिस्टेंट्स के लिए होगा वो 6 ईयर का होगा, 6 मंथ का, सॉरी। और अगर आप चाहें तो इसे एक्सटेंड हो सकता है, मतलब आप नहीं, वो अथॉरिटी चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ के लिए और। ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए जो ट्रेनिंग होगी या प्रोबेशन पीरियड कह सकते हैं, वो 1 साल का होगा, और उस दौरान उन्हें जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपीज़ मिलेगी। ओके, जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे देन द सैलरी विल इन एक्सीड टू 52,000। ठीक है, तो एज यहाँ पर आपको बता रखी, ऑलमोस्ट एज सबके लिए एक ही मांगी गई है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट मिनिमम एग्रीगेट 55%। ओके, और कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, इसमें 60% एसोसिएट के लिए मांगी है। एंड सी ए इंटर का मीन्स 12th में चार्टेड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी बेसिकली है। ओके, या सीए का कोई इंटरमीडियम होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, जो सीए है वो ज़्यादा बेटर जानते होंगे, तो ये देख लें। सीए मतलब ऑलमोस्ट सीए मांगा है इसमें। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट मांगा 60% एंड 2 ईयर फुल टाइम एमबीए मांगा रखा है। तो इसमें ध्यान देने की बात है, आपको एमबीए फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, और तीनों में कंप्यूटर स्किल्स ज़रूरी है। ठीक है, सो इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी फर्दर। सो इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो डेट ऑफ बर्थ तो आपको मैंने बता दी है, 21 से 28 है। ठीक है, सीजीपीए आपको मैंने बता दिया है 54, ये नहीं होगा। ठीक है, 54.99, 55 से कम ही माना जाएगा, तो इस तरीके का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे, और ओवरऑल ऑल टाइम अलाउट होगा 120 मिनट्स, और इसमें पर्टिकुलर स्लॉट के लिए पर्टिकुलर टाइम अलॉट होगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी 35 मिनट, और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 मिनट। सो यू नो इट, आप जान चुके हैं। इसके बाद इसमें 1/4 मार्क्स का डिडक्शन भी होगा, इस चीज़ को भी आप जान लें। ठीक है, और इंटरव्यू होगा इसके बाद। इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ नहीं शो कर रखा क्या है मार्क्स। ठीक है, सो फाइनल मेरिट, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस पर बनेगी, कैंडिडेट विल सेपरेट फॉर ईच पोस्ट ऑफ द असेस एंड द कंपनी विल रिजर्व द चेंज, मतलब वही फाइन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन द जो इंटरव्यू में होगा उससे आपको कंबाइंड करके मार्क्स के साथ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स के साथ कंबाइंड करके आपको कट ऑफ बना दी जाएगी। ठीक है, ओके,
सो हाउ टू अप्लाई, मैं आपको अप्लाई करना ऑनलाइन हाउसिंग में सिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना ऑनलाइन फॉर्म को, आप टेंशन ना लें। मैं ऑनलाइन एक डेमोस्ट्रेशन डालूंगा इसका वीडियो का, और आप हर बार की तरह इसे देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7887003789। सो फ्रेंड्स, इस पर फील फ्री टू आस्क ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करने में ये रहता है कि हम अवेलेबल नहीं रहते ज़्यादातर टाइम। व्हाट्सएप पे हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन का, सो प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज टू देयर, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, सो यू कैन सी देयर। ओके, तो आप जो भी हो वैसा देख लें, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है कि एप्लीकेशन फ़ी 500 है सभी के लिए। GST विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन फ़ी, 18% की GST लगेगी। ओके, सो नियर अबाउट 600 फ़ी हो जाएगी आपकी। ऑनलाइन पेमेंट है, डोंट वरी, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी 6/9/2018, 21 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं आज 25 तारीख है। ओके, और जो कॉलिंग लेटर है उसका 24 सितंबर को है। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखिए बहुत जल्दी हो जाना है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही है सारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो डोंट वरी, यू कैन डू इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं बता दूंगा, ठीक है। सिलेबस देख भी आपने देख चुके हैं, सेंटर आपके सामने है, ये देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या सेंटर है, रायपुर, ये सारे सेंटर हैं। आप यहाँ पर कोई चूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू सेंटर क्या है वो अभी आप कंपनी बताएगी कहाँ पर होना इंटरव्यू, ठीक है। ओके, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू प्रोड्यूस योर ऑल द सर्टिफिकेट, ठीक है। और एनीथिंग एल्स, जिसको ना समझ में आया नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, दे कैन आस्क मी। ओके, फील फ्री टू कमेंट बिलो, और जिन जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।